अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने साइडें तैयार की हैं। जिसमें हमने इसकी दोनों साइड पे लेस लगाई है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ हमने इसकी लेस लगाई है और ये पूरी आर्मोल से नीचे तक लेस जा रही है, दामन तक, ठीक है। पूरी दामन से घूमती हुई दूसरी साइड पे इसी तरह आ रही है और इसके बीच में हमने पट्टी फिटिंग फिलिंग कर दी इसकी हिप्स तक के, और नीचे से ये ओपन है चाक। अब देखें ये फिटिंग फिटिंग शेप में आ रहा है, ठीक है। अगर आप कुर्ते स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो कुर्ता स्टाइल में बना सकते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा इस तरह से। देखें इसमें इस शेप आ रहा है कमर का, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। ये अब ये देखें, ये इसका कमर का शेप आ रहा है। और ये इसका गला हमने तैयार किया था पिछली वीडियो में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गला हमने किस तरह तैयार किया है, चलिए शुरू करते हैं। चाक दामन हमने किस तरह तैयार किए हैं। अब ये देखिए मैंने शर्ट की कटिंग की हुई है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट है, ऊपर से जो आपको मेजरमेंट होगा आप उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और जो साइड की सिलाई होगी ना आपकी, ये साइड से नीचे दामन तक के जो आपका साइज होगा कमीज का, ठीक है, उसी निशान पे आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। देखिए मैंने उसी निशान पे इसकी कटिंग की हुई है, इसका दबाव एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ मैंने कोई भी, ठीक है। ये फ्रंट मैंने खोल लिया और इस पर हमने लेस लगानी है फिनिशिंग के साथ। अब ये देखिए लेस भी हमारी जो है ना तकरीबन आधे इंच से थोड़ी सी पतली है, जितनी हमने शो करनी है ये आधे इंच से भी पतली है हमारी, ठीक है। तो लेस अगर इतनी आप वैसे कटिंग जो है ना इसी हिसाब से करेंगे जितनी जोड़ी आपकी लेस होगी। बस ये है कि मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ कि ये हमने किस तरह से गैप जो है इसके रखना है। यहाँ पे इसे लेस को रख लेंगे इस तरह और इसको फिनिशिंग के साथ जो है ना यहाँ पे इस तरह जो है ना सिलाई लगा लेंगे इस साइड पे भी और इसके दामन में भी और दूसरी साइड पे भी इसी तरह घुमाते हुए ले जाएंगे हम लेस को। ये देखें एक साइड मैंने इसकी फेसिंग के साथ लेस लगा दी, दामन में भी मैंने लगा दी, ये नोक बना दी मैंने, ठीक है। अब पूरे दामन में भी इसी तरह लेस लगा लेंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह लेस लगा लेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ से इस तरह मोड़ के इस तरह भी इसे जो है पूरी सिलाई लगा लेंगे इस साइड पर लपकी। अब ये मैंने लेस लगा ली पूरी, फेसिंग की ये वाली भी सिलाई मैंने लगा ली। अभी हमने शेप में कटिंग किया है फिटिंग में हमारा, ठीक है। आप चाहे तो आप सीधा भी इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना बैक भी मैंने इसी तरह तैयार किया हुआ, ये इसका बैक है, ठीक है। और इसकी एक हमने पट्टी तैयार करनी है, जैसे कि ये हमारी पट्टी है 4 इंच चौड़ी पट्टी है हमारी, ये 4 इंच चौड़ी पट्टी है। इसे यहाँ से इस तरह मोड़ के यहाँ हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर इसे सीधा करके प्रेस कर लेना है, जैसे कि हमारी ये एक पट्टी तैयार हुई हुई है। अब देखें इसे हमने लगाना है यहाँ पे इस तरह। आपने सबसे पहले निशान लगाना है इसका हिप्स का, कि आपका हिप्स कहाँ तक के आता है, 21 पे आता है, 22 पे आता है, 20 पे आता है, जिस पे भी आपका हिसाब हिप्स आता है ना उसी जगह पे आपने निशान लगा देना है। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर शोल्डर से 20 इंच पे इसका निशान लगाऊंगा, ये निशान आ गया, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे, देखें ये बंद वाली साइड जो है ना इसे हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे इस निशान पे, और यहाँ पे इसे इसी तरह जो है ना सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह रख के हम इसे सिलाई लगाएंगे।
ये देखें, इस तरह से हमारी ये साइड तैयार हो जाएगी। ठीक है, दूसरी साइड की पट्टी भी इसी तरह हम लगा लेंगे। अब ये देखें, मैंने दोनों साइड पे इसकी सिलाई लगा दी। बीच में हमारी पट्टी फिलिंग हो गई। ये हमारी साइड तैयार होगी, चाक दामन तैयार हो गए दोनों साइड के।